কট কট ভুতি channel on yet another travel vlog. Today I'm starting from Sittong. It's basically a village nearby Darjeeling. This place is basically a little offbeat. As of now, it's not that popular yet. We are staying at Pujan Homestay. It is at Lower Sittong. We have plans to explore some of the nearby places. तागदा से सिटोंग के सफर में हमें लगभग 3 घंटा लग गया और रास्ते में देखते हुए आए कुछ बहुत सुंदर नजारे और रविंद्र तीर्थ. ये बेसिकली रविंद्रनाथ टैगोर का एक विला है. From where he could clearly see the range of Kanchenjunga back then, this house is now taken care of as a museum. We found his old used desks, medicine bottles, his valuable paintings, used fireplaces in every room, some very old newspapers from the time of Second World War, his very scientific bath area and more. चलिए फाइनली हम लोग अपना होम स्टे भी पहुंच गए. बट बिफोर आई शो यू एवरीथिंग अबाउट दिस होम स्टे, और आपको अगर जानना है कि हम ये ट्रिप कैसे और कहां से शुरू किए, तो हमारा फर्स्ट एपिसोड नॉर्थ बंगाल का बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, जो आपको ऊपर कार्ड्स में मिल जाएगा. यहां पे खाने का सिस्टम सेल्फ सर्व बेसिस में था, तो हम लोग रेडी गर्मा गर्म खाना देख के तो टूट ही पड़े. और यहाँ का खाने का अंदाज तो कुछ अलग ही था. The cabbage salad for meals, the veg and chicken pakoras and momos for snacks, fish curries for lunch and fried rice chili chicken for dinner, also spaghettis for breakfast, meals getting served on banana leaves, all these just without ordering. I think in Pujan Homestay they exactly know how to satisfy the taste buds of their guests. जब खाने के बारे में अब इतना सब कुछ बोल ही दिए, नाउ लेट मी शो यू द लोकेशन ऑफ द डाइनिंग स्पेस. नाउ दिस इज समथिंग वी कॉल एज मील्स विद अ व्यू. हम लोग 4 फैमिली थे टोटल, तो हमें 4 रूम्स मिले थे, जिसमें से एक डॉर्मेट्री था, दिस वन, विच कुड इजिली अकोमोडेट 7 पीपल, और बाकी 3 ट्रिपल बेड फैमिली रूम्स थे. यहाँ पे टोटल 5 से 6 फैमिली रूम्स मिलेंगे प्लस दिस डॉर्मेट्री. एंड जस्ट हैव अ लुक एट द काइंड ऑफ व्यू फ्रॉम इट्स बालकनी. सिटोंग उतना पॉपुलर अभी हुआ नहीं है, इसलिए यू वोंट गेट मच होमस्टे फैसिलिटीज हियर, पर जितने भी है ऑल आर प्रीटी गुड. पर दिक्कत एक ही बात की है कि उनको लोकेट करना. तो मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन में 2 होमस्टे के डिटेल्स डाल दूंगी. एक है हमारा ये पूजन होमस्टे लोअर सिटोंग में, और दूसरा अपर सिटोंग में बिशेष होमस्टे, जिससे आपको व्यू मिल सकता है कुछ ऐसा. Day 2 में हमारा पूरा साइट सीइंग प्लान था, तो हम लोग निकल गए अहलदारा की ओर, जो टेक्निकली हमारा फर्स्ट पॉइंट था. और रास्ते में हमें मिला ये नामथिंग लेक, विच इज बेसिकली अ ड्राइड अप लेक आफ्टर सितंबर. तो यू मस्ट नॉट ऐड दिस पॉइंट इन योर लिस्ट फ्रॉम अक्टूबर टू मई, बट इफ यू आर विजिटिंग दिस प्लेस फ्रॉम जून टू सितंबर, दिस इज अ मस्ट विजिट पॉइंट ऑफ कोर्स, क्योंकि तब आपको मिलने वाले हैं नज़ारे कुछ ऐसे. चलिए हम अब अहलदारा भी पहुंच गए, और यहाँ पहुंचते ही हमें ऐसा लगा कि इस तरह का जगह मैंने पहले तो कभी नहीं देखी है लाइफ में, और शायद कभी देखूंगी भी नहीं. पता नहीं मैं कैसे तारीफ करूँ इस जगह की. फिर भी सिर्फ एक ही चीज बोलूंगी कि जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो एक अच्छा सा क्लियर वेदर देख के आइए, क्योंकि यहाँ टी गार्डन में बैठ के एक तरफ प्लेन्स का होराइजन और दूसरी तरफ पहाड़ों के ऊपर पूरा स्लीपिंग बुद्धा यानी कि पूरा कांचनजंगा का रेंज, ये देखने का तो कुछ अलग ही मजा है. आप चाहे तो एक रात यहाँ पे भी गुजार सकते हैं, पर यहाँ पे एक ही होमस्टे है, हमरो होमस्टे, जो आपको नीचे दिख रहा है. उसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और कुछ टेंट्स के अरेंजमेंट है यहाँ पे. सिटोंग को वैसे लैंड ऑफ ऑरेंजेस भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पल ऑफ ऑरेंज ऑर्चर्ड्स देखने को मिलता है. पर मेरे पास ज्यादा फुटेजेस ऑर्चर्ड्स के हैं नहीं, क्योंकि हमें बस ये कच्चे हरे ऑरेंजेस मिले. पर ऑरेंजेस एंजॉय करने के लिए आप जरूर नवंबर से फरवरी तक किसी भी टाइम पे आइए, फिर आपको ऑर्चर्ड्स मिलेंगे कुछ ऐसे. Near Pachpokhri Lake and Temple, there is this Thandara Tea Garden, which we had in our list, and we actually had enough fun moments here. Dr. Udayan Bala has his homestay here called Meghbitan. You can contact him for bookings. Details again in the description.
So that's it for the day. हम लोग तो अब होमस्टे में लंच करके एक बढ़िया से नींद लगाने वाले हैं। और डे टू में इनका लंच सर्विंग स्टाइल भी देखिए, वाह वाह, दिल खुश हो गया। और बहुत दिनों बाद हमें पहाड़ों में मछली भी मिले, isn't that cool? Day 3 starts with the Lepcha Falls, जिसका हमें कुछ प्लान नहीं था पहले। और अभी तक जो हमने मेंशन नहीं किया यहाँ पे, वो है हमारा ये न्यू फ्रेंड टुक्से, who is also locally known as the guide of Sittong. Just imagine. So the best part was even Tukse was going with us. और ये टुक्से एक्चुअली यहाँ के ओनर अनिल भैया के डॉग है। एंड जस्ट बिकॉज अनिल भैया ड्रोव अस इन हिज कार टू द लेप्चा फॉल्स, टुक्से डिडंट हेजिटेट टू गो अलोंग। और ये स्पॉट हमारे लिस्ट में क्यों नहीं था पहले, आपको तो अब तक समझ आ गया होगा, क्योंकि सबके लिए यहाँ पे जाना वॉज नॉट पॉसिबल। सो फ्रॉम आवर ग्रुप ऑफ 10 वी मेड अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ 5 हु कुड एक्चुअली टेक दिस ट्रैक इजिली। I definitely not advise all to make this one must visit spot, but would certainly insist all the adventure seekers out there to not miss this falls at any cost. तो ऑलमोस्ट हाफ एन आवर ट्रैकिंग के बाद ये रहा लेप्चा फॉल्स। वी रीच देयर बाय मॉर्निंग 6:30 एंड अर्ली इन द मॉर्निंग दिस इज नथिंग बट सम शावर्स ऑफ पीस इन द लैप ऑफ नेचर। यहाँ तक आने के क्रेडिट्स तो पूरे हमारे गाइड्स टुक्से और अनिल भैया को जाता है, क्योंकि उनके बिना तो यहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल था। तो हम लोग उस दिन और रुक नहीं सकते थे, क्योंकि वहाँ से हमें डायरेक्टली टुंगलिंग आने का प्लान था। बहुत स्ट्रगल करके हम लोग और आधे घंटे में होमस्टे पहुँच गए। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस जर्नी वॉज टुक्से साइलेंटली अपना बॉडी गार्ड का रोल खूब अच्छे से प्ले किया और एक पल के लिए भी हमें अनदेखा नहीं किया। तो ये था डे 3 का और हमारा यहाँ पे लास्ट मील, जो कि था अ प्लेट ऑफ यमी स्पेगेटी फॉर द ब्रेकफास्ट। और सिर्फ खिलाने से नहीं, या तो फेयरवेल के लिए भी इनका एक स्पेशल ट्रेडिशनल स्टाइल है। सो होप यू एंजॉय द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड प्लीज प्लीज इफ यू लाइक दिस पुट अ थम्स अप। Don't forget to subscribe and share. So we'll wait for the next trail of this journey to Tumling and to Sandakpu. So signing off from Sittong. See you soon. Bye-bye.